आईक्यूटीवी में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ मेरा इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, AIBA ने एक सर्कुलर जारी किया है और उस सर्कुलर में बताया है 12 बाइपार्टाइट में जो OIJS रिविजन है उनका सेटलमेंट चाहिए और उसके साथ साथ और भी डिमांड्स किया है, जैसे 5 डेज बैंकिंग, पेंशन अपडेशन, इम्प्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम एंड सच लाइक इशूज आर पेंडिंग एंड IBA हैज एग्रीड डिस्कस दिस इशू ऑफ रेसिडुअल इशूज टू वर्क ऑन आउट सल्यूशन टू दिस इशूज। उसके साथ साथ और एक भी इम्पॉर्टेंट इशू है, उन्होंने बताया है हम IBA के साथ जितने भी हमारे डिमांड है 12 बाइपार्टाइट को लेके उसके लिए भी हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन 28 अप्रैल 2022 को सर्कुलर जारी किया है हम लोगों को सेटलमेंट कर देना चाहिए 12 बाइपार्टाइट का 12 बाइपार्टाइट का OIJS रिविजन सेटलमेंट। और इसमें क्लियर कट लिखा गया है दोस्तों, इसमें हम लोगों को 5 डेज बैंकिंग, अपडेशन पेंशन के साथ साथ और भी अदर्स इशू से, जैसे इम्प्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम और उसके साथ साथ अदर जो पेंडिंग इशू से, जैसे DA हाइक, पेंशन स्कीम को ठीक करना, ये भी हम लोगों को चाहिए 12 बाई पैटर्न में। तो हम लोग सीधा बता सकते AIBA पेंशन अपडेशन का केस अभी 12 बाइपार्टाइट में लेके जाना चाहते हैं। दोस्तों, उसी के साथ साथ AIBA ने एक कमिटी भी गठन कर दिया है। उस कमिटी में जो ऑफिशियल मेंबर राजेंद्र नगर CHB है, उसके साथ साथ बहुत सारे और भी मेंबर हैं। तो दोनों मेंबर मेन मेंबर हैं योर जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटचरम। तो दोस्तों, जो उम्मीद लगाए के सब लोग बैठे थे पेंशन अपडेशन, अभी पेंशन अपडेशन 12 बाइपार्टाइट सेटलमेंट लेके जा रहे हैं। तो आप तो देख ही चुके हो दोस्तों, 12 बाइपार्टाइट में अगर पेंशन अपडेशन का केस चले जाते हैं तो और भी बहुत दिन लगेगा पेंशन का अप्रूव होने में, और पेंशन स्कीम का भी अप्रूव होने में अभी बहुत दिन और भी लग सकता है। तो जुड़े रहिए नॉलेज आईक्यूटीवी के साथ। थैंक यू।